हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के इस नए वीडियो में। आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक एंड मस्त होंगे दोस्तों। एंड आप लोग को इतना बवाल तरीके से आज फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ ना, आप लोग जान करके पागल एंड हैरान हो जाएंगे। एंड यहाँ से हम लोग का फेस स्मूथ देख ही सकते हैं, एकदम बवाल तरीके से, जो कि फेस स्मूथ हम लोग का कितना बवाल तरीके से है यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं। एंड आप लोग HDR भी देख सकते हैं, हम लोग का फेस कितना खराब एंड दब्बा एंड आप लोग देख ही सकते हैं। और हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो आप लोग बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, एकदम बहुत ही क्वालिटी में आज हमने फ़ोटो को एडिट किया है। तो अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा एडिटिंग सीखना हो दोस्तों, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है एंड लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड जब भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। उसके बाद चलिए दोस्तों आप लोग को होम स्क्रीन के मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ से शेयर वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके एंड क्या करना ना, यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग को पूरी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर एंड फेस वाइट एंड या स्मूथ करने के लिए बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं करो क्या करना है दोस्तों, ऐसे टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करके एंड सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे आ जाना है। एंड जहाँ पे आप लोग का ब्लैक ब्लैक होगा ना, वहाँ पे क्लिक करके एंड ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाना भाई, हल्का सा बढ़ा के उसके बाद सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा इसको भी 20 कर देना है। एंड इसको भी करके एंड इसको मतलब इसको इतना रख लेना है। जहाँ पे ब्लैक ब्लैक होगा वहाँ पे बस ब्राइटनेस बढ़ाना है, एंड जहाँ पे आप लोग का गोरा होगा ना वहाँ पे नहीं ब्राइटनेस को बढ़ाना है, वहाँ पे आप लोग को बस सी का उपयोग करना है। देखिए भाई मैं सी का उपयोग कर लियो, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा इस पर मेरा ब्राइटनेस है दोस्तों, इस पर क्या करना बस सी को बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डाउन कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इतना करने बाद देख ही सकते हैं V4 एंड आफ्टर क्या करना है दोस्तों, टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करके टून इमेज पर आ जाना है, ठीक है ना। टून इमेज पे आने के बाद आप लोग को तीसरे वाले ऑप्शन पे चले आना है, ठीक है। तीसरे वाले ऑप्शन को थोड़ा सा हल्का सा प्लस कर लेना है, 26 प्लस, ठीक है। इसको भी आप लोग को 29 प्लस कर लेना है, ठीक है ना। इसको आप लोग को इसको भी थोड़ा सा 17 प्लस कर लेना है, ठीक है। एंड इसको माइनस कर लेना है कुछ 38 माइनस 39 40 तक के लगभग में रहना चाहिए, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बवाल तरीके से हम लोग का इसमें फेस मतलब एडिट हो चुका है। क्या करना दोस्तों, आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा, यहाँ से आप लोग को HDR वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड क्या करना है, इसको आप लोग को 10 के प्लस में ले जाना है दोस्तों, एंड 10 के प्लस में, ठीक है ना। नीचे वाले को एकदम माइनस, दोनों को माइनस, ऊपर वाले को बस 10 कर लेना, बस डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। डाउन करने के बाद फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड डिटेल्स वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, कुछ इतना प्लस कर लेना है एंड 17 प्लस, उसके बाद नीचे वाले को 100 प्लस कर लेना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद डाउन कर लीजिएगा, डोंट करने वाला यहाँ से देख ही सकते हैं V4 एंड आफ्टर कितना बवाल तरीके से हम लोग क्वालिटी ला चुके अपने फेस के एंड फोटो के मतलब फोटो में। तो यहाँ से देख ही सकते हैं V4 एंड आफ्टर बहुत ही बवाल तरीके से क्वालिटी आ चुका है हम लोग के फोटो में। तो क्या करना दोस्तों, एंड ऊपर वाले शेयर वाला आइकन दिख रहा होगा, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से शेयर कर लीजिएगा। थोड़ा सा शेयर में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर देख ही सकते हैं। प्रोसेसिंग लेने के बाद आप लोग को ऐप स्कूल के ओपन हो जाएगा। तो क्या करना दोस्तों, बस आप लोग को ना थोड़ा सा अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा अभी वीडियो को स्किप कर देंगे ना तो जो मेन पार्ट होता है ना आप लोग भूल जाएंगे, उसके बाद एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो वही आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई मैं तो एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग को इससे बढ़िया आप लोग बस इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, 100 पर आप लोग को समझ आ जाएगा। ऊपर यहाँ से लाइट रूम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइट रूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग चले हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर ले हैं, करने के बाद आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर लेकर चलते हैं। आप लोग जैसे ही लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं ना, तो आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इतना सारा आप लोग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे के तरफ में। तो दोस्तों क्या करना ना, आप लोग को बस इस वीडियो को फुल वॉच करना है दोस्तों, एंड वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है, एंड जो मेन पार्ट होता है ना भूल जाएंगे, उसके बाद एडिटिंग कर नहीं पाएंगे। तो कमेंट में हमको
मैसेज करेंगे भाई मैं एडिट नहीं कर पाया। तो दोस्तों क्या करना ना, बस आप लोग को फुल वॉच करना है इस वीडियो को 100%, आप मेरी गारंटी ले लो 100% भाई मेरे जैसा एडिटिंग सीख जाओगे। एंड क्या करना दोस्तों, इसके बाद आप लोग को जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, बस आप लोग उस स्टेप को फॉलो करना है एंड बिना प्रीसेट का एडिटिंग सिखाने वाला हूँ दोस्तों 100% गारंटी। उसके बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को कलर वाला ऑप्शन पे आ जाना है, हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना ना, कलर वाला ऑप्शन पे आने के बाद ना क्या करना, फोटो को थोड़ा छोटा कर लेना है, ठीक है। एंड मिक्स वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा खूब ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। एंड क्या करना, सबसे पहले वाले को एंड रेड वाले कलर को चूज करके एंड सबसे ऊपर वाले को यहाँ से 100+ कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से हम लोग 100+ कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को 100+ कर लिया हमने, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को क्या करना है ना दोस्तों, बस आप लोग को इस वीडियो को फुल वॉच करना है। उसके बाद दोस्तों इसको भी थोड़ा सा सेचुरेशन को भी कुछ प्लस कर लेना है एंड 30+ में, ठीक है दोस्तों। एंड इसको भी आप लोग को 30+ में कर लेना है एंड यहाँ से 30+ में हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड वाले ऑप्शन पर आ करके एंड क्या करना है, इसको आप लोग को यहाँ से कुछ इतना माइनस कर लेना है एंड 80 के 82 के माइनस में कर लेना है एंड इसको प्लस कर लेना है, ठीक है ना। कुछ 75+ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, एंड येल्लो वाले कलर पे आ जाना है, ठीक है ना। येल्लो वाले कलर पे जैसे ही जाते हैं ना, तो क्या करना है सेचुरेशन को एंड माइनस कर लेना है 100-, एंड थोड़ा सा इसको प्लस कर लेना है नीचे वाले को। उसके बाद क्या करना दोस्तों, एंड कलर ग्रीन वाले दोस्तों, ग्रीन वाले ऑप्शन आएंगे तो आप लोग को सेचुरेशन को 100+ कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। बस आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना, फिर आप लोग को येल्लो वाले कलर पे आ जाना है दोस्तों। येल्लो वाले कलर पे आ करके ऊपर वाले को 100+ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फिर ग्रीन वाले ऑप्शन पर आ करके थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, इधर कर दीजिएगा दोस्तों एंड कर लीजिएगा, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एंड यहाँ से आप लोग को ब्लू वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा, ठीक है ना। ब्लू वाला ऑप्शन पे आ करके आप लोग को इतना प्लस कर लेना है एंड इसको माइनस कर लेना है। इसको सेचुरेशन को 100+ नहीं करना दोस्तों, कुछ प्लस रखना है एंड 70+ में लिमनस को माइनस कर देना एंड इसको थोड़ा सा 37+ कर लेना ऊपर वाले को। उसके बाद डन कर लेना दोस्तों। डन करने बाद आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड सबसे नीचे आ जाएगा दोस्तों, सबसे नीचे, ठीक है ना दोस्तों। सबसे नीचे आने के बाद आप लोग को इसको माइनस कर लेना है, इसको भी माइनस कर लेना है, 40-40 के माइनस में करते जाना है 40-40 के, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। इसके बाद आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ से देख ही सकते हैं, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं एंड सबसे ऊपर वाले को 100+ कर लेंगे एंड इससे क्या होगा, HDR हो जाएगा एंड इतना कर बना दोस्तों। उसके बाद आप लोग को ऊपर वाले को थोड़ा सा दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन को भी थोड़ा सा प्लस कर लेना है एंड तीसरे वाले ऑप्शन को भी थोड़ा सा प्लस कर लेना है एंड इसको माइनस कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इतना करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से आ करके लाइट वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा इसको हल्का सा लाइट बढ़ा देना है एंड कुछ हम लोग इतना कर लेते हैं लाइट को, ठीक है ना दोस्तों। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को शेयर कर लेना है। ऊपर की तरफ आप लोग को शेयर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख ही सकते हैं। यहाँ से आप लोग का शेयर वाला आइकन दिख रहा है एंड ध्यान से देख लीजिए, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को शेयर टू पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग को शेयर टू पे क्लिक कर देना है, फोटो जो है प्रोसेसिंग ले रहा है एंड शेयर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बस इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो 100% आप लोग एडिटिंग सीख जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग को कोई भी एडिटिंग में दबा नहीं पाएगा एंड आप लोग एडिटिंग का मास्टर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को क्या करना है ना दोस्तों, यहाँ से आप लोग को स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है, ठीक है ना, स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों जैसे ही आप लोग ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर आते हैं ना, तो आप लोग को कुछ इतना सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या करना दोस्तों, जो मैं करूँगा ना आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना एंड वही करना जो मैं करूँगा, आप लोग को दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। क्या करना है एंड यहाँ से ऊपर की तरफ आप लोग देख ही सकते हैं ब्रश वाला आइकन है, ऐसे ब्रश वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आप पेंसिल वाला आइकन बनाया, ठीक है ना, उसको क्लिक करके आप लोग सबसे
सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे नीचे आप लोग सबसे नीचे आकर के थोड़ा सा भी स्क्रॉल करते हैं ना तो ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो इस वाले ब्रश को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सेटिंग में क्या करना, सेटिंग को देख ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, एंड फोटो को छोटा बड़ा करके एंड साइज को लगा करके एंड साइज देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है ना, ये आप लोग सेटिंग में स्क्रीन शॉट मारे हैं, ये वही है जो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है साइज, यहाँ से ऐसे खींचेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा एंड छोटा हो जाएगा। तो क्या करना है, छोटा बड़ा करके आप लोग को फेस पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। तो फेस पर हम लोग अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग अप्लाई करेंगे। आप जो अप्लाई करिएगा ना तो आप लोग आराम आराम एंड हल्के हाथों से अप्लाई करिएगा, क्योंकि जब आराम आराम एंड हल्के हाथों से करेंगे ना तो आप लोग का जो फेस होता है ना तो मतलब जल्दी से होगा, मतलब बहुत ही बवाल तरीके से होगा। और मैं जो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आप लोग को वीडियो में सिखा रहा हूँ एंड बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप लोग को बिना देर के मतलब बड़ा वीडियो आप लोग बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से सोच रहा हूँ आप लोग को वीडियो में बताने के लिए। तो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार भाई लोग, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। मैं और ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है भाई, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ से हम लोग का जो यहाँ से हैंड है ना एंड हाथ है ना, ये बहुत ही ब्लैक दिखाई दे रहा, तो ऊपर की तरफ यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एंड लेयर वाला आइकन पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक करके सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करके एंड लाइब्रेरी में आ जाना है। एंड क्या करना है दोस्तों, इस वाले ब्रश को चूज़ कर लेना है, ठीक है ना। इस वाले दोस्तों इस वाले ब्रश को चूज़ करके एंड सेटिंग को देख ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सेटिंग कुछ इतना रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को यहाँ से मार देना है इसको, यहाँ से ब्रश के ऊपर मार देना है। फिर आप लोग को क्या करना है, उसी लेयर वाला आइकन पे क्लिक करके एंड फोटो पे अपने क्लिक कर देना है, ठीक है। फोटो पे क्लिक करके आप लोग को फिर से वही वाला ब्रश, आप लोग को स्मूथ वाला ब्रश आप लोग को चूज़ कर लेना है। स्मूथ वाला ब्रश चूज़ करने के बाद आप लोग को फिर से आप लोग को आराम से एंड हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है हाथ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देख ही सकते हो चुका है हम लोग का फेस जो स्मूथ हो रहा है। एंड फिर से एक लेयर बनाना होगा और क्या करना दोस्तों, फिर से उसी वाले ब्रश को चूज़ कर लेना है, ठीक है ना। उस वाले ब्रश को चूज़ करके एंड कलर को, यहाँ से कलर को हमने इस वाले कलर को रख लिया है। एंड क्या करना दोस्तों, यहाँ से हम लोग फेस पर सॉरी दोस्तों ओठ पर एंड लिप्स पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं एंड क्या करना है, कुछ इतना रख लेना है, ठीक है ना। कुछ इतना रखने के बाद देख ही सकते हैं हम लोग का फोटो कितना बवाल लग रहा है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आप लोग को यहाँ से कोने में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके एंड शेयर पे क्लिक करके एंड ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद कहाँ ले जाना है, कहाँ पर जाना है, पूरी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो क्या करना, बस भाई इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को बहुत ही बवाल तरीके से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना दोस्तों। तो जैसे ही आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है ना, तो आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ से देख ही सकते हैं। तो क्या करना दोस्तों, यहाँ से आप लोग को, यहाँ से आप लोग को दिखाने वाला हूँ, यहाँ से आप लोग एफएक्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, लड़की वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, लड़की वाला फोटो पे। उसके बाद आप लोग को एक लेयर मिल जाएगा एंड आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करके एंड बैकग्राउंड को कुछ ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पे तो चैनल पे नया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड मैं ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।